अभी खड़े हो गए, उस समय क्यों नहीं बोला? हम बोले। कहाँ बोले? हम आप बोलिए देते हैं रिकॉर्ड। शहनवाज भाई, जो बात आप कह रहे हैं ये हमको ने उधर समझाने की जरूरत है। यही बतवा तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन रोवर लोग समझे नहीं रहे, समझिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस दौरान वहां पर तरह तरह की बातें हो रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच में गजब की खींचातान चल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने ऐसी बात कह दी कि बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन सीधे उठ खड़े हुए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ वहां पर जो इस तरह का माहौल बन गया कि जवाब देने को मंत्री को खड़ा होना पड़ा? जरा सुनिए ये क्या कुछ हुआ है सदन के भीतर। अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस मानिस कौन बोला नहीं बोला हम तो जानते नहीं है उसको, लेकिन शहनवाज भाई आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। आप भी चुप बैठे, अरे आप वोट नहीं दे पाओगे। अरे मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से बिहार का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा, अद्भुत है। अध्यक्ष मेरा नहीं, नहीं हमारा भाई बाद में बोलेंगे। नहीं, 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 पार्टी नहीं, के मेरा नाम मेंशन किया आपने। मेरा एक मिनट आपने मेरा नाम मेंशन किया, संसदीय परंपरा है। अभी खड़े हो गए, उस समय क्यों नहीं बोला? हम बोले। कहाँ बोले? हम आप बोले देते हैं रिकॉर्ड, हम बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने मेरा नाम मेंशन किया है। संसदीय परंपरा है कि अगर आप नाम मेंशन करते हैं तो उसको बोलने का राइट मिलता। मैं धन्यवाद कर, मैं कहता हूं कि जो नागरिकता का अधिकार है, जो सिटीजनशिप है, वो लेने का अधिकार किसी सरकार को है ही नहीं। हम सिटीजनशिप दे सकते हैं, जो एक बार जो भारत का नागरिक है वो सदा नागरिक रहेगा, ये बयान हो सकता है इसमें। और बयान ये हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलने वाले। कोई जो एक मिनट मैंने कंप्लीट, अध्यक्ष महोदय एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जब इस देश की आजादी मिली, जिन लोगों ने उस दिन तय किया कि ये मातृ वतन है, जननी मातृभूमि है, वो यहाँ रहे, उनका जितना आपका देश है उतना हम सबका देश है। हमको कोई दखल नहीं कर सकता, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान नागरिकता छीनने का अधिकार ही नहीं है किसी को, चाहे कितना भी बहुमत आ जाए। अरे शहनवाज भाई, जो बात आप कह रहे हैं ये हमको ने उधर समझाने की जरूरत है। यही तो बोले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है भाई आप लोगों में, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है आप लोगों में। यही बतवा तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन रोवर लोग समझे नहीं रहे, समझिए। और हम तो अध्यक्ष महोदय, महोदय हम तो बस यही चाहते, आप बताइए, आप हम लोग तो यही अपेक्षा कर रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करेंगे और अपने सहयोगी, क्योंकि पार्टनर को सलाह देंगे कि भाई बाहर करो ऐसे लोगों को, निकालो। क्या मुख्यमंत्री जी में इतना ताकत नहीं है? करना चाहिए था। खैर अब मुख्यमंत्री जाने उनका क्या विषय है क्या नहीं है, लेकिन हम तो इनके साथ काम कर चुके हैं और छोटे हैं, और इन्होंने कहा था बहुत खतरनाक है आरएसएस, तो हम तो उन्हीं की बात को याद दिला रहे हैं। तो आपने दोनों ही पक्षों की बातें सुनी। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। आपको याद होगा बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि मुसलमानों के वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए। इसके बाद ही तेजस्वी यादव ने ये कहा कि शाहनवाज जी आपका वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा, और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बिहार के मुख्य सचिव कौन है, आमिर सुबहानी है, उनके भी वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएंगे। हालांकि शाहनवाज हुसैन को इसलिए कहा गया क्योंकि वे
बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान समुदाय से आते हैं, उसके बाद इस तरह की बयानबाजियां होना काफी अलग है और काफी गलत भी है। इसको लेकर ही तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए, जिसके बाद शाहनवाज हुसैन ने भी जवाब दिया और उन्होंने संसदीय प्रक्रिया का हवाला देते हुए ये कहा कि ये नियम है कि अगर मेरा नाम लिया जाएगा तो मैं खड़े होकर जवाब जरूर दे सकता हूं। आपने पूरा देखा कि किस तरह का माहौल सदन के भीतर बना हुआ है। तेजस्वी यादव अलग ही फॉर्म में है, कभी वो हिंदी में बात कर रहे हैं, कभी अचानक से भोजपुरी में कह रहे हैं कि हम यही बात समझाने की कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि बीजेपी के विधायक हैं उनके उस विवादित बयान को लेकर ये तमाम बातें सदन के भीतर पेश की है। देखना होगा कि इस मसले को लेकर आगे और कितना हंगामा होता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।